अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमें यकीन है कि आप हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे और हमें दुआ में भी याद रखोगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं काफ़ी कम कर दिए वीडियोस, बिकॉज मेरा वेट काफ़ी गेन हो रहा था, तो उसकी वजह से हम लोग अभी कम वीडियो बना रहे हैं। हम लोग वीक में एक दो वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन आज हम लोग नोटिस में आए हुए हैं। नोटिस में जैसे बच्चों के लिए काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, कैफ़े भी है इनका, और दूसरी बात इनका ये जो नोटिस में बच्चों के हिसाब से गेमिंग जोन भी है, आर्केड गेम्स है, वर्चुअल गेम्स है, काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। गेमिंग जोन जोधपुर में बच्चों के हिसाब से बहुत कम ही है, लेकिन एक यहाँ पे नया खुला है। कब से हमें कह भी रहते हैं कि यहाँ का वीडियो बनाया, लेकिन हमारा आना नहीं होता। यहाँ पे कैफ़े भी है इनका अंडरग्राउंड में, तो चलिए अंदर जाके पूरा इनका पूरा आपको बताएंगे। बच्चों के हिसाब से भी है, वर्चुअल गेम्स भी है, और अगर आप PS4 के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर आके इन्जॉय भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जोधपुर में बहुत कम ऑप्शन है बच्चों के हिसाब से, तो चलिए अंदर चले। ताह हमारे साथ में, ताहा तो सीधा पर इनका जो लोकेशन है हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आप आराम से उनको नेविगेट भी कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज एकदम सामने है, चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। तो ये नोटिस है, आप अंदर चलेंगे। चलो चलें किस बार, चलो 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 चलो। तो इनका काफ़ी टाइम से वीडियो पेंडिंग था, लेकिन भैया से मैंने पहले पूछा था, लेकिन वो मेरा आना नहीं हो रहा था। यहाँ पर देखिए इनका पूरा यहाँ पर ये है, ठीक है। तो हम लोग पूरा आपको दिखाएंगे। कहाँ पे भैया, कहाँ पे भैया? हाँ हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैंने कहा मैं शूट कर लेता हूँ आज मेरा। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप, सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग यहाँ के ओनर हैं, कैसे क्या तो मैंने काफ़ी इनके बारे में सुना है कि बच्चों के लिए जोधपुर वैसे बहुत कम ऑप्शन है। अभी इन्होंने नोटिस खोला है, तो इनसे पूछते हैं क्या क्या हम लोग बच्चों के यहाँ से हिसाब से यहाँ पे ला सकते हैं और क्या एंजॉय कर सकते हैं। सर नीचे का ये ग्राउंड फ्लोर है, ये बेसमेंट पूरा किड जोन है। ये अगर जैसे बच्चे अगर आपके 2 से 3 साल 4 साल के या 5 साल से नीचे हैं, तो वो लोग यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है, एकदम नीट एंड क्लीन बनाया हुआ। और ये भी तो आप यहाँ देखें, अगर आपके 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, तो आप जाके देखो, तो आप जाओ आप भी जाओ। तो ताह और किस्मत आज हम लोग यहाँ लेके आए, तो ये एंजॉय करेंगे पूरा यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, जो तुम्हें बहुत कम ऑप्शन आपको मिलते हैं, इन्होंने प्रॉपर्ली एकदम बनाया हुआ है, हम पूरा आपको दिखाएंगे। आप फर्स्ट फ्लोर जैसे अगर बच्चों के साथ ना पाए, तो पार्टी भी आप पूरा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं पूरे सभी। काफी जबरदस्त बनाया, तो अगर आप पार्टी जैसे कितने इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी मतलब 20 से 25 की है, और अगर बड़ी गैदरिंग है तो फिर ये पूरा एक हॉल रिजर्व कर सकते हैं। आप क्या क्या देते हैं वैसे? ये इसमें डीजे सिस्टम है, पूरा साथ में कैराओके भी है। अगर किसी को अपने गाने गाने का भी कोई शौक है, तो वो अभी यहाँ पे शौक पूरा कर सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप सब कुछ पूरा एंजॉयमेंट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, एक ही रूफ के नीचे बहुत कम ऐसी यहाँ पे है, मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है जोधपुर में, एक भी जगह ऐसी नहीं है जो आपको एक ही रूफ के नीचे सारे एंजॉयमेंट दे रहे हैं। चलिए फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं और वहाँ भी देखते हैं। ये हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ पे क्या भाई साहब? वर्चुअल देखे बच्चे सब यहाँ पे 5 साल से ऊपर के बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्लोर पर बंदो चलते हैं। ये सारे यहाँ पे जो आर्केड गेम्स हैं, जैसे ये अभी यहाँ पे सिर्फ अलीबाबा में है ना? हाँ। और अभी इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया, लेकिन वर्चुअल का जो वर्चुअल रियलिटी जो
गेमिंग जोन है उसके मेरे हिसाब से यहाँ भी है, इतने सारे एक साथ है नहीं कहीं पे अभी। और ये क्या भैया यहाँ पे? ये VR 30 प्लेयर गेज है। चार लोग यहाँ पे आराम से खेल सकते हैं। ये इन्होंने अलग से एक सेक्शन बनाया है, चार लोग आए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये भी सारे VR है जी, इसमें अलग अलग थीम्स के गेम्स हैं, डायनासोर से पायरेट्स है, एलियंस है। सबसे बड़ी बात ऐसा नहीं है कि जोधपुर में नहीं है कि आपको एक ही रूप के लिए ये सब गेमिंग का आप मजा उठा सकते हैं। अब और कुछ है आपके भैया दिखाने के लिए? प्ले स्टेशन। अच्छा क्या बात है, प्ले स्टेशन 4 का मैं शौकीन भी हूँ, मेरे पास है भी और मेरा फेवरेट कंसोल है ये। PS4 सेक्शन, ये PS4 का पूरा सेक्शन इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया, मतलब एकदम आप जब ये खेलेंगे तो यहाँ पर आपको मज़ा भी आएगा, बिकॉज PS4 का मतलब होता है आपको एकदम फोकस रहना पड़ता है इसमें खेलने में, गेम्स काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होते हैं तो खेलने में मज़ा भी आता है। तो ये पूरा हमने आपको पूरा गेमिंग का पूरा सेशन बता दिया, आप चल के हम लोग नीचे पैकेज की बात करते हैं जो ठीक है। वैसे आपका ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लेके आए, क्योंकि जोधपुर में तो कहीं पर है भी नहीं, तो आपको क्या मतलब ये कैसा मतलब आपको कैसे जोधपुर में मतलब एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करनी थी, मतलब जो वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाए, तो उसके हिसाब से मतलब कुछ सोचा। अब जैसे हम लोग भी ना अगर बच्चों के लेके जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो जब आपने खोला है हमारे बच्चे काफ़ी एंजॉय करेंगे यहाँ पे। चलिए इनिशियल के पैकेज पता करते हैं और फिर आगे चल के बात करते हैं। पैकेज है वो कैसे होता है, कार्ड सिस्टम से यहाँ पे जैसे अपन अली बाबा जाते हैं, वैसे इनके यहाँ पे भी कार्ड है, कार्ड को आपको रीफिल करना पड़ेगा, मेम्बरशिप आपको लेनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको रीफिल करना पड़ेगा। इनका कार्ड है नोटिस का, इनसे पूछते हैं जैसे इन्होंने जो सेक्शन अलग अलग बनाए किस किस के कितने कितने ये चार्जेस करते हैं, ताकि आपको पता रहेगा कि कैसे आपको रिचार्ज कराना है, आपके बच्चों की एज के हिसाब से आप रिचार्ज कराएं। ये कार्ड रिचार्ज सिस्टम है जी, मिनिमम 500 का रिचार्ज है, उस पर 550 पॉइंट्स मिलते हैं, फिर 1000 का है, 2000 का है, सबसे बड़ा रिचार्ज जो है 5000 का रहता है, उसमें 8000 पॉइंट्स रहते हैं और साथ में डिस्काउंट रहता है 10% कैफे पे। और पॉइंट्स का ये सिस्टम है कि हर VR गेम है तो उस पर 150 पॉइंट्स रहता है पर है, और हर आर्केड गेम पे 80 पॉइंट्स रहता है, और जो किड जोन है उसमें 100 पॉइंट्स रहता है पर हेड का, पर हाफ एन आवर पर हाफ एन आवर। उन्होंने पूरा आपको जो सिस्टम है बता दिया है, तो अब हम लोग हमारे साथ मितान किसका है, हम लोग रिचार्ज कराएंगे, हम लोग काजुल का रिचार्ज कराएंगे, तो क्योंकि मेरे साथ जो बच्चे हैं वो मतलब 5-6 साल के हैं, तो नीचे ज़्यादा उनका टाइम स्पेंड होगा, अगर आपके साथ में ऊपर 5 ईयर से अबव है तो आप अपने हिसाब से रिचार्ज करें, क्योंकि ऊपर के जो वर्चुअल गेम्स है जो और भी है उसका जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो हम लोग 1000 में का रिचार्ज कराएंगे जिसमें हमको 500 पॉइंट मिलेगा, 1000 का रिचार्ज बस हम लोग ये करते हैं, फिर आगे चल के आपसे बात करते हैं। आप कैसे कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है यहाँ पे खेलने का? हाँ क्या बात, देखिए आप ता काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, किस वक्त मज़ा आ रहा है आपको यहाँ पे? देखिए इनका पूरा नोट यहाँ पे बना हुआ है, देखो हाँ बता हाँ हाँ क्या बात है, हाँ अच्छा फ्रूट्स को मारना है, हाँ 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 तो ये ता काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, किस वक्त भी काफ़ी एंजॉय कर, कूदो ता किस वक्त कूदो, क्या बात है। तो अगर आप बच्चों के साथ में आए तो यहाँ पे देखिए ता किस्वा कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, उनको कितना मज़ा आ रहा है, अगर आपको वर्चुअल गेम्स भी ट्राई करने हैं, सब चीज़ ट्राई करनी है तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। इसके बाद में हम लोग इनका जो कैफ़े है यहाँ का पास्ता काफ़ी फेमस है और इनके कोन्स काफ़ी फेमस है, तो हम लोग स्वीट कोन भी ट्राई करेंगे और मज़े भी करेंगे। तो बस ता और किस्वा नीचे मज़े कर रहे हैं, हम लोग वर्चुअल रियलिटी गेम खेलेंगे, मैं ये चलाऊंगा, चलो भैया इसमें कितना है कार्ड बैठूंगा इसमें, देखिए आप लगे पूरा स्क्रीन है ये कार, मैंने कार सेलेक्ट कर रही है, अब ट्रैक सेलेक्ट, ट्रैक्स भी सेलेक्ट कर लिया हमने, और बोलो वेट करना मेरा स्टार्ट होने के लिए,
वापस आने वाले हैं जैसा लग रहा है, क्योंकि इस तरफ से ट्रैफिक आ रहे हैं ना बहुत जबरदस्त। Forget about qualifying. The only thing that matters now is the start. Make a good one. Green, green, green. ऊपर के जो गेमिंग जोन थे वो लोग वहाँ से फ्री हो गए, काफ़ी मज़ा आया ना, काफ़ी इनको भी मज़ा आया। मैंने वर्चुअल रियलिटी गेम्स खेले उसमें भी काफ़ी मज़ा आया। नीचे हम लोग कैफे में आए हैं, इनका मेन्यू हमारे सामने है, पूरा मेन्यू हम लोग दिखाएंगे। पर हमने सुना है यहाँ पे कि इनका पास्ता और जो इनके स्वीट कॉर्न है वो काफ़ी अच्छे हैं। पूरा मेन्यू आपको दिखाया था, फिर हम लोग ऑर्डर करते हैं भैया। तो ये इनका पूरा मेन्यू है हमारे पास, करते हम लोग देखिए। इनके पास सैंडविचेज हैं, बर्गर्स हैं, पास्ताज हैं, फ्राइज हो जाएगी, पिज़्ज़ाज हो जाएंगे, मैगी, ये कौन का मैंने बोला था स्वीट कॉर्न वो है, शेक्स हैं, मॉकटेल्स हैं। और अभी शॉट का काफ़ी चल रहा है, 5 शॉट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हमने वहाँ पे भी ट्राई किया था, 2-3 जगह और ट्राई किया था। काफ़ी कॉफ़ी है, फ्रैपेस मिल जाएगी, आइसक्रीम है, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। चलिए हम लोग, तो हम लोग ने डिसाइड किया, हम लोग एक तो इनका जो फेमस है रेड सॉस पास्ता फेमस है, और एक हम लोग ऑर्डर करेंगे चीज़ बेक कौन ऑर्डर करेंगे, या फिर कौन सा वाला अच्छा रहेगा? चीज़ बेक कॉलो भी अच्छा है सर, बटर मसाला कॉलो भी अच्छा है। तो दोनों हम लोग ट्राई करेंगे। कॉफ़ी पर भी हमारी यहाँ पर प्रिंटिंग हो जाती है जी, कॉफ़ी पर भी प्रिंटिंग हो जाती है फोटो। अच्छा, कॉफ़ी पर हो जाती है प्रिंटिंग। नहीं फिलहाल हम लोग तो ऐसे करेंगे, ब्रेड सॉस पास्ता लिया है और दूसरा एक ये बटर मसाला कौन लिया है वो अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है एक ब्रेड सॉस पास्ता और एक बटर मसाला कौन। हम लोगों का रेड सॉस पास्ता आ गया है, ये जो कौन है बटर मसाला कौन ये है, हम दोनों चीज़ ट्राई करेंगे और आपको बताते हैं मैं कैसा लगा। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे काफ़ी फेमस हैं, हम लोग इसको ट्राई करेंगे। सबसे बड़ी बात ये बच्चों, बच्चे 100 रुपये में यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात ये है, बहुत अच्छी बात है। पास्ता एकदम परफेक्टली कुक्ड है, सॉस ज़बरदस्त, इन्होंने जो जिसने टॉस किया हुआ है काफ़ी ज़बरदस्त मसाला है, पूरा जो प्रपोर्शन है वो बराबर है। लोग फोन ट्राई करेंगे, कौन सा भी सॉफ्ट है, और जो बटर का जो फ्लेवर आ रहा है वो काफ़ी ज़बरदस्त आ रहा है माशाल्लाह। तो बस हम लोग ये पूरा ख़त्म करते हैं, उसमें उस ये सब ख़त्म करने के बाद हम लोग वीडियो ख़त्म करेंगे। इनकी जो लोकेशन है हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से नेविगेट कर सकें, इनके नंबर भी उसमें डाल देंगे ताकि नहीं मिले तो आप फ़ोन कर सकें। मज़ा आ गया, हमने पास्ता ट्राई किया, हम लोगों ने बटर मसाला कौन ट्राई किया था, और सबने काफ़ी इन्जॉय किया, हमें खेलने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो बस यहाँ पे हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट, और अभी तो कोरोना वायरस भी काफ़ी चल रहा है, तो अपने हाथों को सैनिटाइज रखें और एकदम नीट एंड क्लीन रहें, साफ सफाई पूरा ध्यान रखें, बिकॉज आप सबसे बड़ी बात है, आप अपने आपका आपको अपने आप का ध्यान रखना पड़ेगा, कोई दूसरा शख्स नहीं आएगा आपका ध्यान रखने के लिए, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और शदाब टॉक्स को देखते रहें, और हाँ हमें दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।